राम राम। सरस्वती ज्योतिष विज्ञान के इस मंच पर मैं पंडित अरविंद तिवारी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आप लोग छोटा सा भंडारा करके अपना भाग्य उदय कर सकते हैं, ज़रूरत नहीं लाखों करोड़ों की। जैसा कि हमारे एक यजमान ने यह भंडारा आयोजित करके पुण्य कमाया, किन लोगों के लिए खास तौर पर विशेष लाभ देता है भंडारा करना। जिनका केतु खाना नंबर 2 में हो, अगर वह धार्मिक यात्री की सेवा करते हैं तो उनका भाग्य उदय हो जाता है। जैसा कि आप देख रहे होंगे, ये जो लोग हैं ये माता चिंतपूर्णी जी के हिमाचल प्रदेश में दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि सावन मास चल रहा है इस उपलक्ष्य में। तो आपके शहर में भी कांवड़ यात्री आपको मिल सकते हैं, अमरनाथ जी की यात्रा के यात्री आपको मिल सकते हैं, या किसी भी धार्मिक यात्रा पर जाते हुए लोग अगर आपको मिलते हैं तो उनकी सेवा आप छोटा मोटा लंगर का आयोजन करके, जैसा कि मान लीजिए 100-200 रुपए के केले लेके बांट दीजिए, कोई फ्रूट लेके बांट दीजिए, कोई कुल्फ़ी लेके बांट दीजिए, कोई खीर की डब्बी लेके बांट दीजिए, ज़रूरत नहीं लाखों करोड़ों की। ठीक है जी, तो धनवान बनने की या जीवन को सुखमय बनाने की ये पहली सीढ़ी है। अब पहली ग्रह चाल होगी केतु खाना नंबर 2, दूसरी ग्रह चाल है मंगल खाना नंबर 2। मंगल खाना नंबर 2 वाला भी अगर भंडारे का आयोजन करता है तो उसका भी भाग्य उदय हो जाता है, क्योंकि खाना नंबर 2 में मंगल तब तक कार्य नहीं करता जब तक इंसान लंगर या भंडारा करना नहीं सीख लेता। तो कम पैसों में भी हम ये काम कर सकते हैं। जैसा कि आप इस चित्र में देख रहे हैं, हमने छोटी छोटी बोतलें, हमारे यजमान ने दूध की खीर की डिब्बियाँ बांट दी, थोड़े फ्रूट बांट दिए, तो बहुत कम धनराशि में बेहद बढ़िया भंडारा आयोजित हो गया। इसके अलावा मंगल खाना नंबर 7 में हो तो भी जातक को विष्णु अवतार या पालना करने वाला कहा गया है, तो वह मंगल खाना नंबर 7 वाला भी अगर भंडारे का आयोजन करता है तो उसका भी भाग्य उदय हो जाता है। तो ऐसी आशा करता हूँ आपके लिए ये वीडियो लाभदायक सिद्ध होगा। कोई भी उपाय किसी योग्य विद्वान की सलाह में करें, चाहे वो भंडारा हो। जय माता दी।